तो डेडपुल 3 यानी कि डेडपुल एंड वुल्वरीन इसका टीजर देखने के बाद ना हमारे दिमाग में कई सारे सवाल पैदा हो रहे थे कि आखिरकार टीवी वाले डेडपुल के पीछे क्यों पड़े और क्या ये टीवी कौन सा है, क्या ये कैंग वाला है या फिर ये लोकी वाला है, और आखिरकार हमें इस मूवी में डेडपुल और वुल्वरीन के कितने सारे वेरिएंट्स देखने को मिलने वाले है, क्या हमें वेरिएंट्स देखने को मिलने भी वाले है। वेल, इन सारी चीजों के ऊपर हम स्टूडियो में बात करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले डेडपुल के हाथ में जो भी फ्रेंड्स देखे तो वो कैसे जिंदा है इसके बारे में अगर बात करें तो देखो, डेडपुल 2 के एंड में डेडपुल के हाथ में टाइम वॉच लग गया था जो कि केबल खा था, जिससे यूज से उसने अपने सभी दोस्तों को बचाया था। हालांकि हमें उस पीटर को ही बचाते हुए दिखाया गया था, लेकिन इस टीजर में हम उसके बाकी के दोस्त भी देख सकते हैं और उसने मेनेस का भी तो बचाया था। और तो इन्हीं सारी चीजों के चलते उसने टाइम लाइन में जो भी चेंजेस किए, उसने जो भी कैनन इवेंट्स को रोका है ना, इन्हीं सारी चीजों के चलते टीवी वाले वहां पर आए हैं और उसको उठा के ले गए हैं। लेकिन बस इतना ही नहीं, बल्कि एक ऐसी थ्योरी भी यहाँ पे जुड़ जाती है कि शायद टीवी वालों को ही डेडपुल की जरूरत थी, जिसके चलते वो वहाँ पे आए और उसे उठा के ले गए हो, जिसमें में भी काफी अहम हिस्सा लोकी का भी हो सकता है, जो कि शायद अलग अलग यूनिवर्स में जाके अलग अलग सुपर हीरोज को उठा रहा है, उनकी शायद एक टीम बना रहा है ताकि इस मल्टीवर्सल वॉर में या किसी कैंग के वेरिएंट की जीत ना हो, जो कि आगे जाकर सीक्रेट वॉर से भी उसका कनेक्शन होने वाला है, जो कि काफी तगड़ा इवेंट होने वाला है। खैर, उसके ऊपर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सवाल ये पैदा होता ना कि आखिरकार ये टीवी है किसका, क्योंकि हमने कुछ टाइम पहले लोकी में जो टीवी देखा था ना, ये इससे काफी डिफरेंट फील होता है। इनका कॉस्ट्यूम अलग है, इनके पास आर्मर है और इनके पास कैमरे भी लगे हुए हैं, और डेडपुल ने जो कांड किया था ना, ये उसे तब उठाने नहीं है बल्कि उस कांड के बाद काफी दिनों बाद ये उसे उठाने आए हैं, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट को सजेस्ट करता है कि एक्चुअल में टीवी का कुछ काम है जो वो डेडपुल से निकालने वाले है, इसके चलते वो डेडपुल को उठाने के आए है। और फिर इसके बाद इसका जो भी टेम्पोरल हमें देखने को मिला था ना, वो भी उन्होंने वर्टिकल लगाया है, ना ही हॉरिजॉन्टल। तो ऐसा लगता है ना कि शायद ये टीवी लोकी का हो, आई मीन लोकी ने जो भी इसमें सीजन 2 होने के बाद जो भी इवेंट्स हुए थे, जिसके चलते पूरा का पूरा टीवी अब चेंज हो चुका है। लेकिन ना जाने कि ये अभी भी ये प्रॉन करने वाले स्टिक्स का यूज कर रहे हैं, क्योंकि लोकी ने जो झाड़ लगाया था जिसके चलते मल्टीपल टाइमलाइंस मल्टीपल ब्रांचेस हो सकती है, इसमें जो भी नेक्सस इवेंट हो उसमें ये प्रॉन करने वाले स्टिक्स का कोई भी कभी काम ही नहीं होता। लेकिन पता नहीं है कि अभी भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक सोचने वाली बात है। फिर इसके बारे में तुम क्या सोचते हो ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। लेकिन ये मूवी ना हमें एक्चुअल में मल्टीवर्सल मैडनेस दिखाने वाली है, क्योंकि इसमें हमारा डेडपुल कई सारे टाइमलाइंस में ट्रैवल कर रहा है, इसमें हमें कई सारे लोकेशन भी हम उसे देखने को मिल सकते हैं, इतना कि हमें वो वॉइड में भी देखने को मिलने वाला है, विच ये स्पॉट को भी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी दे जाता है कि इसमें हमें डेडपुल के कई सारे वेरिएंट्स देखने को मिलने वाले हैं। और इस बात को ना टीजर का ये शॉट भी काफी अच्छी तरीके से प्रूफ कर जाता है, क्योंकि अगर तुम इस यूजी वाले शॉट को अगर ध्यान से देखोगे ना, इसमें तुम्हें ये बात तो पता चलेगी कि इसे चला तो डेडपुल रहा है लेकिन ये हमारा वाला डेडपुल नहीं है, क्योंकि अगर तुमने इसके ग्लोव्स का डिजाइन अगर ध्यान से देखा होगा ना, तुम्हें ये बात क्लियरली पता चल जाएगी कि इसके जो ग्लोव्स है ये हमारे एक्चुअल के डेडपुल के ग्लोव्स से काफी ज्यादा अलग फील हो जाते हैं। और हालांकि कॉमिक्स में हमें डेडपुल के कई सारे सूट्स देखने को मिले, इतना कि एक ही पेज पे हमें दो दो डेडपुल के अलग अलग सूट्स भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन मूवी में ये चीज पुल आउट करना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल फील हो जाता है। और मूवी के लीक्स भी इस बात को काफी ज्यादा सपोर्ट कर जाते हैं कि मूवी में हमें एक्चुअल में डेडपुल के कई सारे वेरिएंट्स देखने को मिलने वाले हैं, जिसको मेजोरिटी तो रैन रेनॉल्ड्स ही प्ले करने वाले हैं, जिसमें एक समोराई का डेडपुल होने वाला है, जो इसका हमने अभी बात की वो भी होने वाला है। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसमें हमें एक लेडी पुल भी देखने को मिलने वाले, जिसको पहले ट्रेलर सिर्फ प्ले करने वाली थी, ऐसे रूमर्स आ रहे थे, लेकिन अब ऐसे रूमर्स आ रहे कि उसे ब्लेक लेवली ही प्ले करने वाली है। और इस बात के ना कई सारे ज्यादा चांसेस है, क्योंकि एक तो रैन रेनॉल्ड्स की पत्नी है और दूसरी जो डेडपुल की जो कैटिक एनर्जी होती है, जो उसकी कैटिक वाइब होती है ना, उस वाइब को रैन रेनॉल्ड्स और उनकी वाइब काफी ज्यादा मैच कर जाती है। तो हाँ, इस बात के काफी ज्यादा चांसेस है कि अगर लेडी पुल इस मूवी में देखता है तो उसे ब्लेक लेवली ही प्ले करने वाली है। और फिर इसके बाद हमें एक डॉग पूल भी देखने को मिलने वाला है, और इस बात के भी ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि इसमें हमें एक बेबी पूल भी देखने को मिलने वाला है, जिसको एडम प्रोजेक्ट वाला बच्चा जो था, जो कि रायन रेनॉल्ड्स को उन्होंने लिटिल वर्जन प्ले किया था, वो बच्चा उस बेबी पूल को प्ले कर सकता है। लेकिन बस इतना ही नहीं, बल्कि इसमें हमें वुल्वरीन के भी कई सारे वेरिएंट्स देखने को मिलने वाले, जिसके टीजर में हमें वुल्वरीन का ये पैच वाला वेरिएंट देखने को मिल चुका था। तो हाँ, इस मूवी में हमें वुल्वरीन के भी एक दो चार वेरिएंट्स देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से एक तो ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि एक को डैनियल रैडक्लिफ जिन्होंने हैरी पॉटर को प्ले किया था, वो बंदा भी वुल्वरीन को प्ले करने वाला है। तो हाँ, कई सारी ऐसी चीजें जिस पे अभी भी बात की जा सकती है, लेकिन उन सभी को इसी वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं हो रहा, तो उसकी हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। लेकिन यार, ये टीजर हमें इस बात की याद दिला देता है कि क्यों हम मार्वल के फैंस बन चुके, क्यों हम मार्वल के मूवीज का इतना बेसब्री से इंतजार कर जाते हैं। और वेल, ये जो पुराना वाला मार्वल था उसकी हमें फिर से वाइब दे रहा है, लेकिन ये सभी
मेरे ओपिनियन से। मैं इसके ऊपर और ओवरऑल टीजर के ऊपर तुम्हारे क्या ओपिनियन से ये सुनना जरूर से पसंद करूंगा। तुम्हारे जो भी ओपिनियन से वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। और इन्हीं सारी चीजों के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे रैप अप कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर कहीं से भी इस चैनल पे नए आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन इसके साथ साथ ही कल रोबोट वाली एक मूवी भी रिलीज हुई थी जिसके रोबोट के साथ लोग प्यार कर रहे हैं, उसके बारे में अगर तुम्हें जानना है तो मैं ये वीडियो जरूर से चेकआउट कर लेना, तुम्हें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन का पता चल जाएगा। और मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए वाइल्ड वाइड SJTV।